नमस्कार दोस्तों, आज आपका टी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमारे आसपास बहुत सारी तरीके की केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। जैसे कि हम घर में आते हैं तो घर में हमें दूर से पता लगता है कि आज खाने में क्या बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो खाना जब बनता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी उसमें से स्मेल यानी खुशबू आती है, जिससे हमें दूर से पता लग जाता है कि आज खाने में क्या बन रहा है। तो ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है यानी केमिकल चेंजेस होता है, तो हम रासायनिक परिवर्तन समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन सन में आ गया में तो रासायनिक अभिक्रिया भी सन में आ जाएगी। तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब एक पदार्थ किसी नए पदार्थ में बदल जाता है और नए वाले पदार्थ के सभी गुण पुराने वाले पदार्थ से अलग होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसमें। ठीक है, यानी केमिकल चेंजेस हुई हैं। जब किसी मैटर में उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, नए मैटर की प्रॉपर्टी ओल्ड मैटर की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है, तो हम कहते हैं कि इस मैटर में केमिकल चेंजेस हुई हैं यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पेड़ की पत्तियाँ। ओके दोस्तों, जब ये पेड़ पे होती है तो ये कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है। लेकिन जब ये पेड़ से टूट के जमीन पे गिर जाती है और एक दो दिन बाद इसे देखो तो ये सूख के ब्राउन कलर की या पीले कलर की हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसमें केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या हो रहा है, इसका रंग परिवर्तन हो रहा है यानी कलर चेंज हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है यानी केमिकल चेंजेस हुई है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज़ में केमिकल चेंजेस हुई है? तो उसके कुछ पॉइंट होते हैं। अगर किसी वस्तु में उसका कलर चेंज हो जाए यानी कि रंग बदल जाए, दूसरा या उसमें से गैस निकले, ठीक है, या किसी चीज़ में से गैस निकल जाए, जैसे कि हम लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी हम जला रहे हैं तो उसमें से धुआं निकल रहा है यानी गैस निकल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यानी केमिकल चेंजेस हो रहा है यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जिस किसी चीज़ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यानी कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिस किसी चीज़ में केमिकल चेंजेस हो रही है यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन तभी होगी जब केमिकल चेंजेस होंगे, ठीक है, रिएक्शन तभी होगी जब चेंजेस होंगे, अभिक्रिया तभी होगी जब परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अगर किसी का रंग बदल जाए, कलर बदल जाए तो परिवर्तन हुआ यानी कि अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, गैस निकल जाए, ठीक है, तापमान में परिवर्तन आ जाए यानी टेम्परेचर उसका चेंज हो जाए, ठीक है, और भी होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें किसी चीज़ में चेंज होती हैं किसी भी पदार्थ में किसी भी मैटर में, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस रासायनिक अभिक्रिया किसमें होती है, पदार्थ में यानी कि मैटर में। तो हम थोड़ा इस पदार्थ के बारे में थोड़ा बेसिक में जाएंगे। तो पदार्थ क्या होता है, मैटर तीन तरह के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड ठोस क्या होता है, वह वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम सॉलिड कहते हैं यानी ठोस कहते हैं। जिस मैटर का वॉल्यूम एंड शेप फिक्स होती है उसको हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम बर्फ का, आइस, इसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन जब भी होती है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो हम उसे एक संकेत के रूप में लिखते हैं, एक सिंबल्स डाल देते हैं, सिंबल्स के रूप में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम को हमने हवा में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बना,
तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम इसकी इसी को संकेत के रूप में लिखते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ओके दोस्तों, अब इसे हमने जलाया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी O2, ठीक है। तो इसको जलाया तो क्या बना हमारा MgO, ठीक है, बैलेंस कर देता हूँ इसको, तो 2 हो गया, 2 MgO, ओके। तो ये क्या हमारी एक केमिकल इक्वेशन है, यानी कि रासायनिक समीकरण है, जिसे हम संकेत के रूप में लिखते हैं, सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। अब इससे हम तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं है, हम संकेत में लिखते हैं, संकेत में लिखते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये क्या है, एक समीकरण है हमारा, ये एक हमारा केमिकल इक्वेशंस है। ओके दोस्तों, केमिकल इक्वेशंस में जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसे हम बोलते हैं अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट, और जो एरो के इस साइड बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद, इंग्लिश बोलते हैं प्रोडक्ट। जो एरो के रिएक्शन से पहले का है, ठीक है, उसे अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एरो के बाद बना, जो हमारा उत्पाद हुआ, उसे उत्पाद प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं हमारे रासायनिक समीकरण की, केमिकल इक्वेशन दो तरीके होती हैं, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। मेरे दोस्तों थोड़ी राइटिंग खराब है, लेकिन मैंने सुना है कि राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, वर्ड्स जो लिखे होते हैं उसका मतलब निकलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने इसलिए कभी राइटिंग पर फोकस नहीं किया, ठीक है। तो मीनिंग पे ध्यान देना, आप लोग राइटिंग पर ध्यान मत देना। संतुलित रासायनिक समीकरण की बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरण मतलब होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये इसमें क्या होता है, असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी बैलेंस और केमिकल बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या है, उसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा, ओके। तो बैलेंस क्या होता है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, यानी एटम नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, ठीक है, या पदार्थ की संख्या सेम हो। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, एक लेते हैं हाइड्रोजन गैस, ओके, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, दोनों मिली तो हमारा क्या बना, H2O, H2O यानी कि क्या होता है, वाटर। ओके दोस्तों, ये वाटर फॉर्मूला होता है H2O, तो H2 प्लस O2 मिलने का क्या बना, H2O। तो अब ना इसमें हम नंबर्स देखेंगे, किसके, हर आइटम के, यहाँ हाइड्रोजन है, एरो के इधर, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, तो इससे क्या बोलेंगे हम, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है। तो अभिकारक में से टेबल बना के सॉल्व कर लेते हम, फर्स्ट टाइम में आप लोग टेबल बना के सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिंबल्स की, यहाँ पे रिएक्टेंट आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट, सिंबल्स, सिंबल्स कौन से हमारे पास, दो ही हैं, एक एच है और एक ओ है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ही सिंबल हमारे पास। अब बात करते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एरो के इधर होता है, तो रिएक्टेंट में एच कितना है, दो नंबर है उसके, दो, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना है, एच के नीचे दो है, तो इधर भी एच दो है। अब रिएक्टेंट में बात करते हैं ओ की, तो रिएक्टेंट एरो के इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओ कितना है, दो लिखा है, तो दो एच के नीचे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ओ कितना है, ओ के नीचे कुछ नहीं लिखा, ओ के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो एक मानते, ओके, तो ओ कितना, एक, तो दो दो ये तो बराबर है, दो एक ये दो बराबर नहीं है, तो ये अभी क्या है, ये हमारी है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अभी ये अभी क्या हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं। तो अभी अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस कैसे करते हो देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक है, तो हम कम नहीं कर सकते, हम बढ़ा सकते हैं, तो इस वाले को हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ पे, प्रोडक्ट में, तो ऑक्सीजन ये रहा प्रोडक्ट में। अब इसके नीचे दो कोई मत लगाना, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे दो लगा दिया हो गया बराबर, नहीं गलत है बिल्कुल। आप इसके नीचे कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहेगा। आपको दो लगाना, तो इस पूरे के, इस जो यौगिक है, जो ये कंपाउंड है, इसके पूरे आगे लगाएंगे हम दो। अब दो ओ से मल्टीप्लाई रहा, इसके नीचे वन था, वन टू जा टू, तो ऑक्सीजन होगा टू, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन ये टू एच के आगे भी है, नहीं हाइड्रोजन के भी आगे है, तो टू और एच के नीचे टू, टू टू जा फोर, तो यहाँ पे हमारी ये भी मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया फोर, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। अब क्या है, हाइड्रोजन कम है, ऑक्सीजन तो दो दो बराबर हो गई, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में दो और प्रोडक्ट में चार है, तो इसे भी चार करना पड़ेगा, बढ़ा सकते कम तो कर नहीं सकते। अब इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा फोर आ जाएगा। एच कहाँ पे, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट ये रहा, एच के आगे टू लाएंगे, टू टू जा फोर, तो ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसमें हमने बैलेंस कर दिया, आप चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन भी चार है, यानी रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन चार है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन चार है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी दो है, प्रोडक्ट में भी दो है, तो यानी दोनों तरफ बराबर है, चार चार दो दो, यानी कि ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और जिसमें बराबर ना हो उसे असंतुलित यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बर्फ का क्या होता है, ये बर्फ हमारी सॉलिड एंड ठोस, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड एंड द्रव की। लिक्विड क्या होता है, जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, यानी कि आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, यानी कि शेप इसकी फिक्स नहीं होती। इसका क्या होता है, इसे जिस वेसल में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, ये उसी का आकार ले लेता है, जैसे कि पानी, यानी कि वाटर। अगर हमने किसी बीकर में रखा है तो ये बीकर की शेप का होता है, ओके। अगर हमने किसी ग्लास में रखा है तो ये ग्लास की शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसको हम जिस वेसल में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, ये उसी का आकार यानी कि उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। गैस, अब बात करते हैं गैस की, यानी कि गैस क्या होता है, ऐसा मैटर है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन, जिसकी ना तो शेप फिक्स होती है, ना ही वॉल्यूम, ठीक है। इसे हम जिस बर्तन में रखते हैं, जिस वेसल में रखते हैं, ये उसी का शेप ले लेता है और ये उसी का आकार भी ले लेता है, ठीक है। अब गैस जैसे कि हमारी होगी ऑक्सीजन गैस O2, किसी बर्तन में रखी हुई है, सिलेंडर में, या इससे आप सिलेंडर बना लीजिए, इसमें हमारी मीथेन गैस होती है ना, ये हमारी गैसेस में, गैस किसने, सिलेंडर में होती है, ओके। अब इनके थोड़ा सा बात करते हैं, ये किससे मिलकर बनी थी, ये पार्टिकल से, तो पार्टिकल की बात करते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे से, एकदम क्लोज क्लोज होते हैं, इनके बीच में गैप बहुत कम होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ये पार्टिकल एक जैसे दूसरे का मूव करते रहते हैं, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सारे सारे अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ओके। अब बात करते हैं गैस की, तो गैस क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और ये बहुत तेज़ी से इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, ओके।